पिछली जुमे की नमाज पर हुई हिंसा से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने इस बार जुमे को सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। कोई अफवाह न फैले इसके लिए संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पिछले जुमे को यूपी के जो जिले सुलग रहे थे वहां आज शांति थी, अमन चैन की बयार बह रही थी। 19 दिसंबर को हिंसा से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने इस दफा जुमे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। हर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। यूपी पुलिस के मुखिया ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसी रणनीति तैयार की थी जिसकी वजह से आज यूपी में अमन चैन है। देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से पूरी शांति है और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्स का कर रखा है उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां पिछली शुक्रवार को कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई थी। उन समों पर हमारी नज़र है, उन समों पर हम पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों की एक्टिविटीज़ को, सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आज के जुमे की नमाज़ सकुशल निपट जाए और अदा हो जाए। उस कल हमने पूरे प्रदेश में दिन भर हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स किए। हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि प्रदेश के जितने भी थाने हैं उन थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग हो। पीस कमेटी के जो कंपोजिशंस थे उसको डायनेमिक बनाया गया, और साथ ही साथ हमने चाहा कि कम्युनिटीज़ के लोगों को इस बात के लिए बताया जाए कि अगर हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो उससे किसी का नहीं बल्कि समाज का हित होगा। और लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि जो पहल पुलिस प्रशासन ने हर एक जनपद में लिया है उसे लोगों ने सराहा है। अराजक तत्व अफवाह न फैलाएं इसके लिए यूपी के 22 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई। साथ ही संवेदनशील जगहों पर ड्रोन के जरिए पुलिस ने निगरानी की जिसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। मेरठ में सुरक्षा के लिहाज से शहर को 5 जोन में बांटा गया। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। प्रशासन इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। यही वजह है कि जिले में 35 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं कमिश्नर अनिता मेश्राम, आईजी आलोक सिंह, डीएम अनिल ढींगरा, एसएसपी अजय सहनी हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं सहारनपुर में भी सुरक्षा का चक्रव्यूह इस कदर तैयार किया गया है कि पुलिस की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सहारनपुर के डीएम और एसपी खुद पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जुमे की नमाज को लेकर सहारनपुर में पूरे तरीके से अलर्ट किया गया था। जिला प्रशासन की कहे बहुत मेहनत के बाद सहारनपुर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे जी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह संपन्न हुई। गेम साहब, किस तरह से ये जुमे की नमाज? पिछले शुक्रवार के बाद से आज तक हम लोगों ने हर मोहल्ले में सारे यूथ के साथ डायरेक्ट डायलॉग स्थापित किया, 1-to-1 बात करने की कोशिश की गई। सारे मौलानाओं को, सारे मस्जिदों के इमामों को और सभी इन्हीं लोगों के साथ हम लोगों ने शांति समिति की बैठकें की और रेगुलर की। जो थोड़ी बहुत आशंकाएं यूथ के मन में थी उसके लिए उर्दू और हिंदी में हज़ारों पर्चे छपवाए गए और उनको हैंडबिल्स हाथ में दिया गया। मीडिया के साथ लगातार बैठक की गई। इन सभी चीज़ों का नतीजा ये है कि एक जागरूकता, अवेयरनेस बहुत तेज़ी के साथ फैली। और आज जिस समय, आज एक हफ्ते पहले सहारनपुर में 8,000 आदमी एक साथ इकट्ठा हो गया था, वो आज आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सभी लोग शांति के साथ डिस्पर्स हुए हैं, नमाज कंप्लीट हो चुकी है, देवबंद में भी शांति है। इधर हापुड़ में भी शांति व्यवस्था कायम है। जुमे की नमाज पर हापुड़ में सुरक्षा चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। प्रशासन ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसकी वजह से जिले में अमन चैन बरकरार है। पिछले जुम्मे में उपद्रव के बाद आज फिर जुम्मा है। जुम्मे की नमाज लोग अदा कर करके अपने अपने घर जा चुके हैं। अभी तक की अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति शांतिपूर्ण है, चारों तरफ शांति है। लोग अपने 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 कामों में लगे हुए हैं। हापुड़ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकर जिला अधिकारी से लेकर के एसपी, एडिशनल एसपी और सभी सीओ अपने 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 क्षेत्र पर मुस्तैद हैं और किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए हापुड़ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं बस्ती और श्रावस्ती में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं जिसकी वजह से जुमे की नमाज के बाद यहां भी शांति व्यवस्था कायम रही। पुलिस के आला अधिकारियों ने बुद्धिजीवियों से अमन की अपील की जिसका असर शुक्रवार को यहां दिखाई दिया। बस्ती जनपद में नमाज के बाद पूरी तरह शांति बनी हुई है। जैसा कि सुबह से ही पूरी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, जहाँ जहाँ नमाज पढ़ना था वहाँ वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था कर दी गई थी। वैसे जनपद का माहौल शुरू से ही बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था।
जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भी शांति का माहौल है। कानपुर में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो अफवाह फैलाता है उसकी सूचना पुलिस को दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते शुक्रवार NRC और कैब के विरोध को लेकर जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद शहर में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, यतीम खाना चौराहे पे भीड़ ने उग्र रूप ले लिया था और कानपुर शहर में जो है वो हिंसा का रूप ले लिया गया था। जैसा कि आज हम आपको दिखाना चाहेंगे, आज यतीम खाने चौराहे पे खड़े हैं, जुमे की नमाज़ जो है वो शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है। जिस तरीके से यहाँ पर कल कप्तान ने मीटिंग करने के बाद जो है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा का दावा किया, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा कर दी गई है, CCTV कैमरों से लैस चौराहों को कर दिया गया है, ताकि आज जो है वो जुमे की नमाज के बाद किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। क्योंकि पिछले हफ्ते जो है वो जिस तरीके से आगजनी और हिंसा का रूप कानपुर में देखने को मिला था, वो वाकई में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक था। क्योंकि कानपुर जो है वो अमन शांति का प्रतीक माना जाता है, उसके बाद भी कानपुर में जो है वो हिंसा ने अपना रूप ले लिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय यतीम खाने चौराहे से मस्जिद की तरफ बढ़ने वाली हर गाड़ियों की सघन चेकिंग ली जा रही है, तलाशी करी जा रही है। वहीं आजमगढ़ में भी SP त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। साथ ही ये भी बताया गया कि नागरिकता कानून से किसी भी भारतीय को कोई खतरा नहीं है। देखिए, जिले में अभी पूर्ण शांति है, फोर्स जगह जगह डिप्लॉय हम लोगों ने किया हुआ है। हमारे RAF फ्लैग मार्च कर रही थी, SPCT CEO हमारे इंस्पेक्टर सभी लोग मोबाइल में है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, यहाँ पूर्ण शांति है, आप किस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो यूपी पुलिस ने आपके जुमे को ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे कि अराजक तत्वों के हौसले इस बार पस्त हो गए। आपके जुमे पर पूरे प्रदेश में अमन चैन दिखाई दिया और शांति व्यवस्था बरकरार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।